ब्लॉगिंग की अपनी एक दुनिया है उसमें बहुत सारी तरह के ब्लॉग्स हैं कुछ तो जनरल ब्लॉग्स हैं जैसे कि लाइफ ब्लॉग्स उसके अंदर डाइनिंग की भी इंफॉर्मेशन है पेरेंटिंग के बारे में भी फैशन ट्रैवल uh, उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स्ड हो जाती हैं कुछ नीच ब्लॉग्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं या एक्सपर्ट ब्लॉग्स भी उनको कहा जाता है उसमें एक सा फोकस होता है दोनों तरह के ब्लाग्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं तो थोड़ा सा देखते हैं कि नीच ब्लॉग्स क्या होते हैं कैसे होते हैं और कुछ नमूने के ब्लॉग्स भी आपको दिखाएंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन ये जो है किसी खास लोगों की खास नीड के हिसाब से बने होते हैं जैसे जिसमें कोई मेकअप के बारे में ट्यूटोरियल्स बताए जा रहे हों और सिर्फ वही फोकस हो तो ऑब्वियसली ज़्यादातर यही रुझान है कि खातानी उसकी टारगेट ऑडियंस होंगी वगैरह चार करोड़ से ऊपर तो सिर्फ वर्ड प्रेस के ऊपर है कहने का मकसद ये है कि जो आप नीच ब्लॉग कोई बना के ये सोचें कि ये बिल्कुल मैं कोई अलग सी चीज़ बना रही हूँ या किसी ने नहीं बनाया दैट इज़ नॉट लाइकली हो सकता है आप अपने खत्ते अपने एरिया के हिसाब से या अपने पर्सनल व्यू पॉइंट के हिसाब से कोई नई चीज़ कर रहे हो लेकिन लार्जली अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस फील्ड में और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया और थोड़ा सा रियलिटी चेक साथ लेके चलें तो आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाने और मेहनत करने की ज़रूरत होगी क्योंकि आप इतने सारे लोगों के साथ कंपीट कर रहे होंगे या जो इसमें से काफ़ी सारे जिनका कि एरिया ऑफ फोकस या एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही वाला होगा जो हो सकता है कि आपका हो सो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया और इसमें स्पेशलाइज्ड फोकस होता है जैसे हमने भी बात की और जनरल फोकस नहीं होता उसी चीज़ के ऊपर होता है इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक तो यह कि इसको मोनिटाइज करना आसान हो सकता है क्योंकि एक स्पेसिफिक फोकस है अगर आप, आप आ, हैंडी क्राफ्ट के बारे में आपका ब्लॉग है तो हो सकता है जो इदारे हैंडी क्राफ्ट बना रहे हैं वो आपको फोकस करें और वो कहें कि ये आप हमारे प्रोडक्ट्स जो है इसके ऊपर इनको आप एडवर्टाइज़ करें क्योंकि जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो इसको देखेंगे या अगर आप इसके अलावा कोई क्राफ्ट के बारे में या कोई इस तरह की चीज़ें आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में कर रहे हैं तो हो सकता है आर्ट सप्लाइज बेचने वाले स्टोर्स इंटरेस्टेड हों कि आप उनके एड्स या उनके बारे में कोई रिव्यूज़ या प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह उनके चलाएँ ताकि उनकी सेल्स में इजाफा हो क्योंकि आपके ब्लॉग के ऊपर वही खास इंटरेस्ट वाले लोग होंगे सो so, एक टारगेट ऑडियंस पूरी जो है फोकस्ड किस्म की इकट्ठी होगी उसके अलावा इसका फायदा ये है कि इट कीप्स यू ऑन ट्रैक आपको ये हर वक्त कभी इधर और कभी उधर भागने की जरूरत नहीं होती आपका एक फोकस रहता है और आप उसके साथ बंदे रहते हैं यूर एंकर्ड विथ वन टॉपिक अच्छा इसके अलावा ये कि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं हो सकता है आप शुरू में एक्सपर्ट ना हो कुछ लिखें लेकिन आपने क्योंकि उसी मौजू के ऊपर लिखना है तो आप उसको अपनी एक्सपर्टीज़ को बिल्ड करते रहते हैं उसके बारे में खोज करते हैं तहक़ीक करते हैं रिसर्च करके और आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ बनती जाती है और फिर किसी ने अगर उस ख़ास चीज़ के बारे में जैसे अगर आपने ये देखना है कि कागज़ की रिसाइकलिंग का क्या वो ऑप्शन हो सकते हैं तो अगर कोई पेपर की रिसाइकिलिंग का ब्लॉग है डेट्स अ वेरी स्पेशलाइज ब्लॉग तो उस चीज़ के लिए आप एक एक्सपर्ट ब्लॉग होंगे तो so that is how you can carve your own space on the internet. टॉपिक की सेलेक्शन आपकी मैनेजेबल हो जाएगी आपको पूरी सारी इतने सारी दुनिया के पूरे यूनिवर्स के टॉपिक्स में से कुछ सेलेक्ट नहीं करना बल्कि एक उसके छोटा सा हिस्सा है टॉपिक है उसमें से कि आपको सब uh, टॉपिक्स लेने रीडर्स को रिटेन करना भी आसान इसलिए है क्योंकि उसी इंटरेस्ट के लोग उसमें आएंगे और वो इतना ज़्यादा शायद कॉम्पिटिशन ना हो कि अगर आप किसी बारीक से फोकस को लेकर चल रहे हैं इसमें जब नीच सेलेक्ट करें तो उसमें क्या चीज़ें आपको जहन में रखने की ज़रूरत है और क्या हो सकती हैं एक तो है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ होनी चाहिए ऑब्वियसली तभी आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आपने आज उसके ऊपर लिख लिया कल आपने किसी और टॉपिक पे लिख लिया क्योंकि आपका अब ये नीच का एक्सपर्ट ब्लॉग है आपने यू हैव टू स्टिक टू दैट टॉपिक ओनली तो उसमें आपने कई महीनों और कई सालों उसी टॉपिक के ऊपर लिखना है तो ऐसा टॉपिक लें जो आपका इंटरेस्ट सस्टेन कर सकता है इतने लंबे अरसे के लिए उसके अलावा ये है कि एक्सपर्टीज़ आपकी होनी भी चाहिए और आप उसको उसको साथ साथ बढ़ाते भी रहना चाहिए क्योंकि जैसे अभी बात हुई कि इतने सारे ब्लॉग्स लिखने हैं तो कोई उसमें नई हिस्से उसी टॉपिक के आएंगे जो कि आ, पहले से जो हो सकता है आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो उनसे मुतलिक मोनीटाइजिंग पोटेंशल जो है वो इसका वो भी अच्छा है सिलेक्ट जब आप नीच करेंगे लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें जो जहन में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि कहीं बहुत ही नैरो फोकस तो आपका नहीं है कि इतना नैरो है कि बहुत सारे लोगों को आप इंटरेस्ट ही ना कर सकें बिल्कुल ही कोई थोड़ा सा पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जैसे मेकअप का ब्लॉग तो एक चीज़ है लेकिन अगर आप सिर्फ आई मेकअप का ब्लॉग बना लें तो उसमें हो सकता है आप इतना इंटरेस्ट जनरेट ना कर सकें दैट्स टू नैरो आ फोकस दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका फोकस आप अपनी तरफ से एक्सपर्ट ब्लॉग बना रहे हैं लेकिन आपका फोकस इतना वाइड या ब्रॉड है कि आप उस तरह से लॉयल अपने फॉलोअर्स को नहीं ले सकते क्योंकि इसमें यह होता है कि लॉयल फॉलोइंग होती है क्योंकि और लोग जो बहुत कमिटेड हैं उस टॉपिक के साथ वो फिर आपके फॉलोअर्स बनते हैं या व्यूअर्स बनते हैं और उसके अलावा ये भी सोचने की बात है कि उसमें आप एडवर्टाइजर्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं कौन पॉसिबल एडवर्टाइजर्स हो सकते हैं अगर आप उसको मॉनिटाइज करना चाह रहे हैं तो कोई भी ब्लॉग बनाएं तो ट्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं उसकी ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं और इन टूल्स के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं उस टॉपिक से मुतल कौन से इशूज़ आइडेंटिफाई हुए हुए हैं तो आप उसके ऊपर फिर बात कर सकते हैं उसके ऊपर अपना ब्लॉग बना सकते हैं ताकि वो भी जब गूगल सर्च कोई करे तो या कोई और सर्च इंजन को यूज़ करके सर्च करे तो आपका ब्लॉग भी उसमें ऊपर के कुछ जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें ही नज़र आए इसमें कुछ नमूने के हमने सिलेक्शन आपके लिए बनाई है ब्लॉग्स की सो लेट्स हैव अ लुक अच्छा ये जो पहली वेबसाइट हमने आपके लिए निकाली है जो ये ब्लॉग है ये ओरल वेलनेस का है और ये ख़ातून है जिनको कि गम डिजीज़ डिटेक्ट हुआ था तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए और ये एक नैरो सा फोकस है हेल्थ का पूरी हेल्थ का नहीं है बल्कि डेंटल हाइजीन के फोकस पे है तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपर्ट ब्लॉग और इसके अलावा मैं ज़रा जल्दी जल्दी, जल्दी जाऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा दिखा दें क्योंकि मैंने जब इनको देखा मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी और मैं चाहती हूँ आप भी इनको देखें और आप भी इनको इंजॉय करें ये है जी कार स्पिरिट गाड़ियों के बारे में एक ब्लॉग है इसमें गाड़ियों से मुतक चीज़ें हैं ख़बरें भी हैं और नई जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है तो जो गाड़ियों का जिन लोगों को शौक है वो इसको इंजॉय कर सकते हैं फिर ये पाक व्हील्स भी है गाड़ियों के बारे में इसमें भी न्यूज़ है स्पेशली uh, पाकिस्तान से मुतलिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मुतल इसमें सारी इंफॉर्मेशन है ये पॉपुलर हैं काफ़ी ये दोनों ब्लॉग्स क्योंकि गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है तो दीज आर इंटरेस्टिंग स्पेशलाइज ब्लॉग्स एक मेरा जो बहुत फेवरेट था ये प्रिंसिपल्स पेज है ये एक अमेरिका uh, में बेस्ड प्रिंसिपल साहब हैं और वो अपनी जो रोज़मर के उनके इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लिखते हैं एक उसमें उन्होंने एंट्री लिखी हुई है कि जब बच्चे उनको स्कूल के बाहर किसी वक्त देख लेते हैं शाम के वक्त या वीकेंड पे तो वो कैसे खौफजदा होते हैं और परेशान होते हैं क्योंकि उनका ख़्याल होता है कि ये सिर्फ़ जो है इनको स्कूल के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए तो बड़ी रिलेटेबल सी चीज़ें हैं प्यारी सी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह मैं लोगों के साथ वैसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ और जो पॉलिसी लेवल पर डायलॉग हो रहा है एजुकेशन के टॉपिक पे उनके मुल्क में उसमें वो अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं क्योंकि ब्लॉक से उनकी प्रेजेंस बहुत दूर दूर तक है वैसे उनका किसी छोटे शहर से ताल्लुक है अमेरिका के तो ये भी एक तरीक़ा है कि अगर आप एडवोकेसी करना चाहते हैं या अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो ब्लॉग को आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनका बड़ा बेतकल्लुफ़ और बड़ा प्यारा सा ब्लॉग है लेकिन उसमें एक सीरियस एंगल भी उन्होंने रखा हुआ है इस परसनलाइज से नीश ब्लॉग में उसके अलावा एक साइंस टीचर का ब्लॉग है और ये मैंने कोशिश मैंने की है बहुत सी चीज़ों में कि मैं जहाँ पे पाकिस्तानी ब्लॉग्स हूँ वो यूज़ करूँ बट आई एम लिटिल सैड टू से कि एजुकेशन के ब्लॉग्स ज़रा से कम है पाकिस्तान में इनफैक्ट है ही नहीं कोई इस तरह के तो इसमें ये एक साइंस टीचर हैं और वो अपने जो फैकल्टी की जो कॉलीग्स हैं उनको साथ खड़ा करके और उनको दिखाते हैं कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कोई उनसे गपशप करते हैं उसके बारे में और ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें वो ऑब्जर्वेशन करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसका एनालिसिस होता है तो इसके वीडियोज़ भी हैं ये आप देख सकते हैं कि ये सारी उन्होंने चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं उसमें कोई ऐसी एक्सपेंसिव हाईटेक चीजें नहीं है लेकिन ये कि उसमें इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं क्योंकि हम में से अक्सर ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होती हैं बट वी हैव नो आइडिया कि उन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है सो दीज आर यूजफुल थिंग्स फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रेन पोस्ट रिसाइकलनेशन ये रिसाइक्लिंग के बारे में एक ब्लॉग है जिन लोगों को अभी देर इज़ अ ग्रोइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉज uh, की बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है बाहर कि स्ट्रॉज इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए uh, कई लोगों के जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं या वो पानी उस तरह नहीं पी सकते उनको चाहिए वगैरह तो दीज आर ऑल करंट टॉपिक्स और इसमें बहुत सा इंटरेस्ट है तो ये रिसाइकलिंग के बारे में एक ब्लॉग है और इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग uh, इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में मिल जाएगी सीरियस इन्फॉमेशन और इसमें कोई वो जैसे लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में गपशप मैंने ये महसूस किया मैंने ये सोचा वाली चीज़ नहीं दीज आर ऑल फैक्ट बेस्ड तो एक्सपर्ट क्योंकि ब्लॉग्स हैं तो द एक्सपर्ट हैज़ टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे हैव टू बी राइट अबाउट वॉट डेयर द राइट लाइफ ये हमारे और आपके इंटरेस्ट का है, इसमें लिखने के बारे में बताया गया है और आर्टिकल्स इसमें जो ब्लॉग्स हैं जो ब्लॉग एंट्रीज हैं सारी वो इसी बारे में है कि आप लिख कैसे सकते हैं जो लिखा है उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं सो दिस इज़ अ वेरी वेरी रिच ब्लॉग जिसमें कि आप अपनी मर्जी की बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं अच्छा एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और उसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग और अपीलिंग है मॉम एंड डैड फॉर मनी तो ये जो है ना इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो उस वक्त आप अपने पैसे कैसे मैनेज करें ताकि आप अपने बच्चों के लिए सेव कर सकें अपने ख़र्चे मैनेज कर सकें एट्सट्रा और ये जहाँ पे मोनिटाइजिंग की बात हो तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इन्होंने तरीक़े से किया हुआ है कि ये इन्होंने अपनी बुक भी बनाई हुई है ये कंसल्टेशन के सेशंस भी ऑफर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइज़ की हुई हैं कोर्सेज़ हैं कोचिंग हैं और ये सब है और इसमें इन्होंने कोई प्राइस टैग लगाया हुआ नहीं है दीज आर पेड सर्विसेज लेकिन प्राइस टैग नहीं लगाया हुआ और उन्होंने कहा है कि आप जो पैसे दे सकते हैं आप हमारे साथ डिस्कस करें ताकि ही इज़ नॉट टर्निंग अवे पीपल कि कोई ज़्यादा बड़ा प्राइस टैग लगा दें और इस तरह से ये कर रहे हैं और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नए पेरेंट्स हैं वो अक्सर नए खर्चों से परेशान होते हैं तो उसके लिए ये एक आ, इन्होंने एक आ, नीश ब्लॉग बनाया इट्स वेरी ट्रू टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नीश ब्लॉग खाने का ब्लॉग हमने अभी तक कोई नहीं देखा पिंच ऑफ यम जो है एक ये फ़ूड फोटोग्राफी है इन्होंने ये तस्वीरें लेती थी खानों की सब ने इनको अप्रिशिएट किया तो इन्होंने इसको प्रॉपर अपना ब्लॉग बनाया और इसमें जो है इन्होंने ये बताया हुआ है कि एज अ कपल ये कैसे ब्लॉग करते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो है इन्होंने वीगन डिशेस के बारे में बताया हुआ है हेल्दी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है तो जो भी अपील करती हैं लेकिन मेन इनका फोकस जो फूड फोटोग्राफी है उसके ऊपर है इनके लिंक्स यहाँ पे मौजूद भी हैं आप इनको भी देख सकते हैं और इन जैसी और बहुत से भी ब्लॉग्स को देख के उनसे इंस्पायर हो सकते हैं आइडियाज़ ले सकते हैं क्योंकि मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सोचती हूँ कि अब मैं बजाय पब्लिकेशन के लिए लिखने के मुझे भी अपना ब्लॉग बनाना चाहिए